इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। गवर्नमेंट ने फाइनली 15 अगस्त को पीएम मोदी ने जो घोषणा की थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट क्रिएट कर दिया है और इसमें 4-स्टार अधिकारी होंगे जो मोस्ट एक्सपीरियंस होंगे। शायद जो है पहले बिपिन रावत ही बने अभी जो है, और उसका नाम बहुत जल्द जो है जाहिर किया जाएगा। मुझे लगता है कि भी मैं तो गांव में हूँ, मुझे लगता है नाम अभी जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। और चीज कह रहे थे क्योंकि युद्ध की स्थिति हमारे आसपास बन रही है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल 12 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती जो है करने जा रही सरकार चाइना और पाकिस्तान और इन सब के उस पे। और अभी तक तीनों सेनाध्यक्ष अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते थे या फिर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती थी, बात कैसे करें इसको। कारगिल वार के समय एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट को क्रिएट करने की बात की गई थी। कारगिल के बाद इतना लंबा समय हो गया, इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी और वो जल्द होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS को मंजूरी दे दी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर 4-स्टार जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो तीनों कमांड को, तीनों जो थलसेना, वायुसेना और जलसेना को का एक चीफ होगा वो जो है। और उसके बाद जो है पूरा सैन्य विभाग का गठन होने जा रहा है और उसके बाद आपको कल बताऊंगा कि कितने बड़े पैमाने पर इस पर तैनाती होने जा रही है हमारे बॉर्डर पे। तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ा काम होने जा रहा है। छोटे मोटे राज्य हारते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं है, और राज्य जो हारे हैं उसे सबक लेना होगा कि स्थानीय मुद्दे और ऐसे लीडर्स को देना होगा जो पीएम मोदी और शाह की जवाबदेहियों को बांटे, ना कि उन पर ही लाइबिलिटीज बन जाए जैसे रघुवर दास था। तो हम उस पर बात कर चुके हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार कड़े फैसले लेने जा रही है। 4 साल है, सरकार रुकने वाली नहीं है चाहे ये कितना ही कोहराम मचाए। और सबसे बड़ी बात कि सरकार इनके साजिशों को नाकाम कर रही है, वरना हमें कभी पता नहीं चल पाता कि इन लोगों ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं किया था, बल्कि इन सब ने जो है सैनिकों को जलाने से लेकर और ट्रक में भर भर के पत्थर लाने तक की सारी साजिशों को अंजाम देने की पूरी अंजाम दिया भी। और इतनी बड़ी घटना हापुड़ में कम से कम होते होते बच गई। आपको बता दूं कि हम सबको आगे इस पर बड़े ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो PFI है वो ISI फंडिंग है और वो इन सब के पीछे काम कर रही है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर एक बड़ी जो तैनाती बॉर्डर्स पे हो रही है